थर्मल एक्सपेंशन। देखो थर्मोमीटरी में कैसे टेम्परेचर चेंज करना है वो हमें पता लग गया, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन नाम से पता लग रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को गर्म करें, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो चीज़ क्या होती है, एक्सपैंड हो जाती है। कितनी एक्सपैंड होती है ये चैप्टर आपको बताएगा। अब ये भी क्या चीज़ है, चैप्टर तो क्या ही है, ये टॉपिक है। अब ये भी क्या चीज़ है, एक किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपैंड होता है जब उसको हीट करते हो। तो ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग। द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तीन किस्म की एक्सपेंशन हैं। पहली लीनियर एक्सपेंशन है, दूसरी सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, और तीसरी क्यूबिकल एक्सपेंशन है। लीनियर एक्सपेंशन के अंदर बेसिकली क्या है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ किसी भी बॉडी की इंक्रीज होती है, सिर्फ लेंथ। जैसे एक थिन रॉड है, थिन रॉड की लेंथ इंक्रीज हो गई तो लीनियर एक्सपेंशन है। सुपरफिशियल का मतलब जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो अगर एरिया जैसे डिस्क है, डिस्क फैल जाएगी, उसका एरिया बढ़ जाएगा तब जब आप उसे हीट करेंगे, इसे बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीन तरीके की एक्सपेंशन हैं। वैसे प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी लेंथ वाइज नहीं हुआ करती, हर बॉडी वॉल्यूम वाइज हुआ करती है, तो एक्चुअल में क्यूबिकल एक्सपेंशन चलती है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर में भी गिवन है लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर का मतलब लेंथ वाइज। अगर ओरिजिनल लेंथ किसी भी रॉड की एल है और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उसकी लेंथ क्या हो गई, एल डैश हो गई, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना हो गया, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो कितनी इंक्रीज हुई, एल डैश माइनस एल हो गई। और ये इंक्रीज इन लेंथ किस पे डिपेंडेंट है, एल पे डिपेंडेंट है। एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ, तो इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। तो अगर ओरिजिनल लेंथ जो है वो काफ़ी छोटी है, 10 मीटर है, तो इंक्रीज इन लेंथ भी 0.1 सेंटीमीटर के आसपास ही होगी, या शायद उससे भी छोटी होगी। और अगर ओरिजिनल लेंथ वायर की 10 किलोमीटर है, तो मैंने बताया था कि 2-3 मीटर तक एक्सपेंशन हो सकती है। तो यानी कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंडेंट है, और दूसरा किस पे डिपेंडेंट है, चेंज इन टेम्परेचर। आप इन दोनों को कंबाइन कर लें। एक और फैक्टर जिस पे इंक्रीज इन लेंथ डिपेंड करती है, और वो क्या चीज़ है, मटीरियल। किस मटीरियल की एक रॉड बनी हुई है जिसके लिए कोफिशेंट यूज करते हैं, अल्फा। अल्फा का नाम है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसके ब्रैकेट में डाल दो अल्फा। कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब अल्फा, ठीक। और ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, हर रॉड का डिफरेंट है, किसी रॉड का ज्यादा है, तो जिस भी रॉड का अल्फा ज्यादा होगा तो उसकी एक्सपेंशन ज्यादा होगी, अल्फा कम होगा तो एक्सपेंशन कम होगी। तो यहां से एल राइट की तरफ चला गया तो एल डैश की वैल्यू आ गई, तो एल डैश की वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल है, जो नई लेंथ है वो एल डैश है। तो जो नई लेंथ है एल डैश वो किसके इक्वल है, जो न्यू लेंथ है वो एल इंटू वन प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला शायद हमने पहले भी किया हुआ है, ये वही फॉर्मूला है। और इसके अंदर एक काम करें, इस एल्फा को यहीं रखें, एल डेल्टा टी को नीचे ले आए पूरा, तो यूनिट्स क्या बनेंगे अल्फा के, ये मीटर है, ये भी मीटर है, और ये टेम्परेचर रह गया, मीटर से मीटर कैंसिल, 1 बाय केल्विन या 1 बाय डिग्री सेल्सियस। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, तो ये वैल्यू है आपके पास। और उसी तरीके से अगर कोई चीज़ एक्सपैंड होती है एरिया वाइज, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर ओरिजिनल सरफेस एरिया एस है, नया सरफेस एरिया टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद एस डैश है, एस डैश है, और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर है, तो उस केस में एस डैश माइनस एस किसके प्रोपोर्शनल है, एस के, सेम लेंथ की तरह। अगर ओरिजिनल एरिया बढ़ा है तो उसका इंक्रीज भी बढ़ा है, ओरिजिनल एरिया छोटा है उसका इंक्रीज भी छोटा है। और सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा टी पे। दोनों को कंबाइन करके ये टर्म आ गई, और एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को बोलते हैं बीटा। बीटा का मतलब ब्रैकेट में डालो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ये मटीरियल पे डिपेंड करता है। जितना बीटा बड़ा होगा मटीरियल का एक्सपेंशन उतनी ज्यादा होगी। तो क्लियर है यहां तक, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एस को राइट साइड, और एस को राइट साइड पे ले जाएंगे तो न्यू एरिया इज ओरिजिनल एरिया इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो यहां से बीटा एक तरफ, एस डेल्टा टी एक तरफ,
तो एरिया बाय एरिया की यूनिट कैंसल, इसके यूनिट में 1 बाय केल्विन या 1 बाय डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन के अंदर अगर सेम चीज है, सीधा फॉर्मूला बनाते हैं, नया वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। लिखो गामा का मतलब ये लिखो इसको ब्रैकेट में, क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा। ये मटीरियल डिपेंडेंट है, अल्फा बीटा और गामा क्वेश्चन में गिवन है। जितना बड़ा गामा होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन उतना ही बड़ा होगा। क्लियर है? तो तीन फॉर्मूलाज क्लियर है, अल्फा बीटा एंड गामा।